नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस हफ्ते की अगर महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बात माने तो यहां पर जो कुछ चर्चा के बिंदु हैं वो कोरोना और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरह कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 8 राज्यों में पूरी हो चुकी है, लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है, 9वें राज्य में अब प्रवेश हो चुका है और 2 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राज्य ही बचेगा। यानी जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई थी 7 सितंबर 2022 को, तब राहुल गांधी के हिसाब से यहाँ पर 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यात्रा गुजरनी थी। 8 राज्य हो चुके हैं और 9वें राज्य में शुरुआत हो चुकी है। पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यह है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से भी अलग, यहाँ पर जिस तरह से कोविड की एक सरगर्मी दोबारा शुरू हो गई है और चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के नाम से। कहा जा रहा है कि चीन में यह हाहाकार मचा रहा है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्राजील समेत तमाम देशों में स्थिति खराब है, पर भारत में भी इसको लेकर जो आशंका जताई जा रही है वो भी यहाँ पर चिंता करने योग्य है। क्योंकि जब भी आशंका जताई जाती है अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमने भुगता है। भुगता हमने कब है? 2021 में जब लाखों परिवार उजड़ गए। भुगता हमने कब है? जब ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। भुगता हमने कब है? ना जाने कितने लोग अपने परिजनों का चेहरा तक नहीं देख पाए। ऐसी वैश्विक महामारी, ऐसी विभीषिका कि शायद यहां पर मौत को भी करुणा वंदन करना पड़े। जहां पर मौत को भी करुणा खंडन करना सकता है तो समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी कैसी रही है। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई और अब चौथी, और भारत में भी इसके लगभग 3 से 4 मरीज मिल चुके हैं जो नया वेरिएंट है। अब इसके अलग जहां से इस तरह से यात्रा चल रही है, अब यात्रा पर भी यहां पर सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब भारत को जोड़ने की यात्रा है और भारतीय ही सुरक्षित नहीं है तो क्यों यात्रा कर रहे हैं? अगर कोविड की आशंका के चलते यहाँ पर यात्रा को रोक सकते हैं तो रोक दीजिए, जनता के लिए, देश के लिए, उसी भारत को के लिए जिसको आप जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। और महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है क्योंकि यहाँ पर दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है, खासतौर से कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर यात्रा से दिक्कत है, यहाँ दिक्कत कोरोना की नहीं है। और बीजेपी कोरोना को आधार बनाकर, कोरोना का बहाना बनाकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती है। हालांकि इसको लेकर एक बार केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक पत्र भी राहुल गांधी को लिखा है कि आप चाहें कोविड को देखते हुए अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। हालांकि उन्होंने निवेदन किया है, कोई आदेश नहीं दिया है कि आप यात्रा को स्थगित कर दें, और निवेदन करना एक स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को यहाँ पर पूरा करना बहुत आवश्यक है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि कोरोना का जो तरीका है वो तरीका तो भाई अलग है, पर भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना को एक अलग तरीके से उपयोग कर रही है। खैर, अब कोरोना की महामारी सबके सामने है, जो लोग इसके काल के ग्रास में समा गए वो भी सबके सामने है, शमशान कब्रिस्तान पटे रहे वो भी सबके सामने है, नदियों में 100 वहते मिले ये भी सबके सामने है, और इस भयावह विभीषिका केवल के भारत ही नहीं पूरे विश्व में इससे लोग त्राहिमाम कर रहे थे। तो यहाँ पर केवल बीजेपी कोरोना का लेके आती है, मेरे ख्याल से ये तो आरोप निराधार है। खैर, मैं पूछ चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ चुका है, रूबरू करा दूँ। प्रवक्ता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव भी अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी अपना पक्ष रखेंगे, और कांग्रेस के फायरबैंड प्रवक्ता विनोद सिंह भाई कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा विनोद भाई से रहेगा। विनोद भाई, यहाँ पर यात्रा निकल रही है, हालांकि यात्रा 3 जनवरी को निकलेगी, पर जहाँ से इस तरह से आप देख रहे हैं अगर कोरोना चल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? अगर कुछ स्थगित कर सकते हैं या यात्रा को टाल सकते हैं? भाई भारत जरूरी है, भारत देश जरूरी है, जनता जरूरी है, राजनीति होती रहेगी। भारत देश जरूरी है, लेकिन भारत देश जरूरी कब बनेगा? जब भारत देश के भारतीय लोगों के मनमानस में जो विचार हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनको विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए सहायक हैं,
और लोकतंत्र में लोकस्वर की महत्ता जो है जी, उसको जब ये गूंगी बहरी सत्ता के नशे में चूर अच्छा, असंवैधानिक कृत करने वाली जुल्मी जालिम सरकार जब किसी भी तरीके की कोई लोकतांत्रिक तरीके से लोक अधिकार लोकस्वर की महत्ता को दरकिनार करेगी और सत्ता के अहम में चूर रहेगी, तो पूरे स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से एक नेता के विजन के रूप में, एक उसके आह्वान के रूप में, उसके गांधीवादी विचारों से, सेवा भाव से ओतप्रोत जो उसकी भावना है अहिंसा की, उसको बल देने का काम लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज किस प्रकार से जिंदा रह सकें, सत्ता आएंगी जाएंगी लेकिन भारत के भविष्य, भारत के युवाओं में उनके प्रति लड़ने वाला संवैधानिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, वैचारिक तरीके से, नैतिक तरीके से कोई अगर विचार देने का काम करेगा तो जनता स्वाभाविक मन से आएगी, खड़ी होगी और बड़े राजनीतिक, नैतिक, संवैधानिक बदलाव, सकारात्मक बदलाव के लिए अग्रसर होगी। इस सबसे हताश, घबराई, निराश, परेशान, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी की तंगदिल वाली सरकार, जुल्मी सरकार, कोई ना कोई बहाना, बिल्कुल। देखिए आप राजनीतिक बयानबाजी पे, चुनाव पे आ जाएंगे, गुजरात हार गए, आप हिमाचल जरूर जीते हैं और स्थिति उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है, वो क्यों हार गए, क्यों डर गई, मैंने कोई आधार बताइए विनोद भाई। मैंने वही आधार, देखिए भारतीय जनता पार्टी की हार का आधार ही तो भारतीय जनता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अपने कैलकुलेशन में उसको अपनी बड़ी हार दिख रही है। हरियाणा की, हिमाचल की सम्मानित बुद्धिजीवी जनता ने एक प्रमाण दिया, क्योंकि इनके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वघोषित चाणक्य ने पूरा जोर लगाया हिमाचल की जनता को मूर्ख बनाने में। अच्छा। लेकिन हिमाचल की सुधी जनता ने इनके हर प्रयास को, इनके हर हथकंडे को खारिज करने का काम किया। अच्छा। तो पूरी तरीके से हार से, वैसे हार और जीत मैं मानता हूं चुनाव में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अच्छा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हार को स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा। उसमें हार को स्वीकार करने, पॉजिटिवली साहस करने का सामर्थ्य नहीं है। अच्छा। तो इस वजह से अब इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, मैं कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से विवेक जी इसका जवाब देंगे, राजस्थान में जो अपार अपेक्षित जन सहयोग जन विश्वास का वातावरण बना, तो स्वास्थ्य मंत्री को ऐसा क्या लगा कि उन्होंने कहा कि एक एडवाइजरी ही की, एक राय ही दी कि यात्रा रोक देनी चाहिए। अच्छा। अगर ये भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को इन्होंने ऐसी चिट्ठी क्यों नहीं जारी की, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते प्रथम दायित्व ये बनता है कि आप अपनी पार्टी के अपने लोगों को पहले सचेत करने का, जागरूक करने का काम करें। अच्छा। लेकिन चूंकि आपका मन मस्तिष्क साफ नहीं है। अच्छा। आपके संस्कार, आपका, आपके विचार सब दूषित है, मुझे ऐसे शब्दों का इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है गौरव जी, मैं प्रायः बचता हूं, क्योंकि सरकार की आप मनोदशा देखिए, सरकार का विचार देखिए, चिट्ठी लिख दी किस प्रकार से, असुरक्षित, घबरा, अरे कोविड आ रहा है तो दिक्कत नहीं, अभी तक चुनावों में प्रधानमंत्री से लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी कितने दिन हुए बीते। अच्छा। सामान्य रूप से सारी व्यवस्थाएं लागू हैं। अच्छा। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल, उनके मंत्रियों के कार्यक्रम के अनुपालन में कोई प्रोटोकॉल, कोई सावधानी, कोई निषेध नहीं है। सवाल उठा रहा है कोविड को लेकर, क्या बीजेपी चीन में भी चुनाव लड़ने जा रही है, क्या बीजेपी अमेरिका चुनाव लड़ने जा रही है, क्या बीजेपी ब्राजील चुनाव लड़ने जा रही है, वहाँ भी कोविड आया हुआ है, वहाँ भी गाइडलाइंस चल रही है, वहाँ भी लॉकडाउन चल रहा है, चीन में तो लॉकडाउन कभी खत्म ही नहीं हुआ, आंशिक लॉकडाउन हमेशा लगा रहा, अभी प्रोटेस्ट भी वहाँ पर हुआ था, तो क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश और समेत पूरे देश में जो कोरोना की आहट सुनने को मिल रही है, तो ये बीजेपी प्रायोजित है क्या? देखिए आपके दर्शक बहुत समझदार हैं। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी की चालबाजियों को, कारगुजारियों को बखूबी जानते हैं। अच्छा। भारत के हम आप दर्शक ही जनता, दर्शक जनता सब, जनता तो जनार्दन तो है। तो आपको जनाधार क्यों नहीं मिलता जनता नहीं से? मैं बता रहा हूँ, देखिए सवाल है, ये सिर्फ राजनीतिक हार जीत का सवाल नहीं है। अच्छा। बड़ा सवाल है गौरव जी। अच्छा। अब एक जिम्मेदारी से, प्रमाणिकता के साथ इतनी लंबी यात्रा, मुश्किल यात्रा, डर गए यात्रा करने का, आपकी हवा चल गई है, बिल्कुल वातावरण, चूंकि ये देखिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग हैं, असुरक्षित लोग हैं। अच्छा, ठीक है ये हताश लोग हैं, ठीक है ये किसी प्रकार से मिथ्याभाषी, मिथ्या प्रचार के माध्यम से जनता को बरगला के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। तो अब इनको जो ताश के ढेर पर इन्होंने बनाया है अपना महल, वो इनको बिखरता हुआ दिख रहा है, इसलिए तनाव में, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में लिया हुआ बचकाना
समझी वाला ये लेटरबाजी है, ये प्रयास है। रही बात दूसरी बात, मैं मुख्य मुद्दे पर आ जाऊं, कोरोना से इसका सीधा संबंध इसलिए नहीं, औपचारिक निर्णय कोई जिम्मेदारी के साथ प्रमाण के साथ किसी ऐसी संस्था का, WHO का हो, ICMR का हो, या हमारे रिसर्च कुछ जो इंस्टीट्यूशन से उनके हो, और वो सबके उसमें सहमति हो। अच्छा। क्योंकि कोरोना के भयावह खतरे से हर कोई वाकिफ है। अच्छा। उसमें प्रधानमंत्री होना या स्वास्थ्य मंत्री होना आवश्यक नहीं है। अच्छा। सबको अपने जीवन से बहुत प्यार है। चलो ठीक। और भारत के लोग कृपया अपनी नासमझी, अपना राजनीतिक पूर्वाग्रह, अपना राजनीतिक दुराग्रह भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की जनता पर ना थोपने का काम। आप डर गए हैं, हार से हताश होने वाले हैं। 24 का चुनाव आप हारने जा रहे हैं, हवा चल गई कांग्रेस की। मनोज भाई बोल रहे हैं भाई, जी दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छे हैं। अच्छा, अपने दिल को बहलाए रखिए, बाकी क्या हो रहा है ये सब लोग जानते हैं। अच्छा। जितना विरोध को कोसना था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार सबको कोस डाला। अच्छा। यात्रा राहुल जी ने कई बार स्थगित की और स्थगित करके अभी शायद विदेश भी जाने का कार्यक्रम राहुल जी का बन रहा है। अच्छा। तो ऐसा तो है नहीं कि यात्रा स्थगित नहीं हुई कभी। अच्छा। और स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व है कि सबके स्वास्थ्य की चिंता करें, पूरे भारत के सभी नागरिकों की चिंता उन्हें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सांसदों ने पत्र लिखा, उस पत्र के प्रत्युत्तर में उन्होंने इस तरह का पत्र एक एडवाइजरी जारी की जी। कि यात्रा में जो वैक्सीनेटेड लोग ही शामिल हो और कोरोना प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए जी। और संभव हो तो यात्रा स्थगित कर दे, आग्रह किया। आग्रह किया जी। इसमें इतनी हाय तोबा वाली कोई बात नहीं जी। जितनी पीड़ा इनको हो रही है तमाम बातें बता गए, जितनी कोस सकते थे भाजपा को बता दिए। ये वो लोग हैं गौरव जी, जी जो लोकतंत्र का गला घोटने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। 1975 में इन्हीं की सरकार ने इमरजेंसी लागू की थी जी, बिल्कुल। और इमरजेंसी के लिए आज तक कांग्रेस कभी ढंग से देश से माफी भी नहीं मांगी है। अच्छा, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था वो सब बताने की जरूरत नहीं, आपका समय बहुत कीमती है जी। बिल्कुल, बहुत बार उस पर चर्चाएं हो चुकी है जी। तो ये लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने वाले लोग, जिस समय जब गांधी परिवार के ऊपर मुकदमे चलते थे तो संजय गांधी के नेतृत्व में NSOI के कार्यकर्ता रायबरेली की अदालतों में हु कर देते थे, अदालतें बंद हो जाती जी। अदालतों को पंगु बनाने वाले आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है दृष्टि देख करके। अच्छा। इसी भय को मोदी राज कहते हैं। अच्छा, मोदी राज क्यों कहते हैं? बिल्कुल इसी भय को कहते हैं। हमने भय देखना, ये तो आपको डरा हुआ बता रहे हैं। अपराधियों, भ्रष्टाचारियों जी के दिल में ये डर हम देखना चाहते हैं। अच्छा। भारत की जनता अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के दिल में ये डर देखना चाहती है। अच्छा। लोकतंत्र के हत्यारों के दिल में ये डर देखना चाहती है। अच्छा। ये डर देख करके हमें बड़ा अच्छा लगता है और भारत की जनता को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। तो ये इस तरह से कोसते रहे और ये इस तरह के मुंगेरी लाल खसीन सपने देखते रहे। राहुल गांधी की क्षमता क्या है ये पूरा देश जानता है। अच्छा, अरे तो आप क्यों घबराए हुए हैं? आप देश की जनता का अपमान क्यों कर रहे हैं? देश की जनता को आप अपराधी कह रहे हैं? ये देश की जनता की आवाज है। देश की जनता सड़कों पर आई है और एक तरीके से सैद्धांतिक रूप से सरकार के खिलाफ एकजुट होने का काम किया है। तो आप सत्ता में इसीलिए है कि देश की जनता को अपमानित करेंगे? अभी आप हिमाचल की जनता को बड़ी सुधी जनता बता रहे थे। गुजरात की जनता के बारे में आपका क्या बयान है? उसके बारे में बोलने पेट में दर्द होता है? नहीं, क्यों दर्द होता है? नहीं, हम तो उसको स्वाभाविक तरीके से लेते हैं हार जीत, लेकिन आप इतना हार से क्यों भयग्रस्त हो जाते हैं? जनता है, उन्होंने अच्छा फैसला लिया, उसमें बोलिए ना। अरे आप देखिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी प्रदेश से आते हैं। देखिए, 9 से जीत गए। जेपी नड्डा जी का गृह प्रदेश है वो। आखिर जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का मोहभंग इतने बड़े स्तर पर शुरू हो गया है कि नहीं? हिमाचल की जनता को आप क्या समझते हैं, मूर्ख समझते हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अथक प्रयास किया। राहुल गांधी की क्षमता के बारे में पूरा देश जानता है। अच्छा। वो तमाशा खड़ा कर सकते, बैंड बाजा बारात लेके घूम रहे 80 कंटेनरों में। अच्छा। लोग तमाशा देखने चले जाते। तो आपको तब्दील करने की क्षमता
राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी 10 दिन की यात्रा ऐसी करके दिखाएं स्वाभाविक यात्रा, कोई 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 अवरोध, कोई प्रोटोकॉल, कोई निषेध ना हो आम जनता का। मैं चुनौती देता हूँ, सिर्फ 10 दिन आप में साहस नहीं है, आप में साहस नहीं है, आप जनता की अनदेखी करते हैं। अरे जनता की अनदेखी आप लोगों ने की है, उसी का दंड आप भी 10 दिन, आप भी इन परिस्थितियों में 10 दिन नहीं चल पाएंगे, आप में भी ये साहस नहीं है, क्योंकि जनता से आप कटे हुए हैं, जनता का ये आप कटे अपमान करने वाले लोग हैं, आप सत्ता के नशे में चूर रहे हैं, आप इसी जुड़ रहे हो। कटने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 2-1 हो गए, 8-2 हो गए, में रहिए लेकिन आपको सेवा करनी पड़ेगी जनता की, जनता का अपमान करने का हक नहीं है आपको, क्योंकि आप चुनाव में जीते हैं तो जनता को यही बड़बोलेपन का आप लोगों के परिणाम है। कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप शून्य हो चुके हैं विधान परिषद में, कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी कि आप जनता का अपमान करें, इसकी छूट आपको नहीं दी जा सकती, हो चुकी है विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो चुकी है, तो आप ये साबित करिए, होने वाली है सत्ता में आप आए तो साबित करिए जनता के लिए क्या किया आपने, कहा है आप, आपने जनता के लिए क्या किया ये बताने का समय है, आप जवाब नहीं देंगे, मेरी लाल घसी सपने कब छोड़ो, आप जवाब नहीं देंगे, सारे विश्व में जवाब दे रहा हूँ, आपके आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे हैं, आपके दिल का दर्द देख के अच्छा लगता है, डर गए बता रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के दिल में ये डर होना चाहिए, जनता के स्वाभाविक सवाल कांग्रेस के मुद्दों की बात, परिवारवाद के चाकर है, जनता की बेहतरी में डर होना चाहिए क्या जी। चल ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी है, जोशी जी कैसे देखते हैं जिस तरह से यात्रा निकल रही है, और विनोद भाई बता रहा है कि बेहतर जनाधार है राजस्थान में, इतना बड़ा जनाधार देखने को मिला उससे बीजेपी डर गई है, इसलिए कोरोना को अब यहाँ पर प्रायोजित रूप से ला रही है, आपकी क्या राय है, और इस समय अगर चिट्ठी लिखी गई है यात्रा को स्थगित करने के लिए कहाँ तक सही मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे मुद्दे पर आप? मेरे को लगता है कि चिट्ठी सबसे पहले जी, अगर चिट्ठी लिखनी थी स्वास्थ्य मंत्री को तो उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को लिखनी चाहिए जो विदेश दौरे पे गए हैं। अच्छा, क्या बात। और आपको पता होगा कोरोना की जो भीषण बीमारी है जी, वो सबसे ज्यादा विदेशों में आ रही है जी, आज वहाँ पर मंत्री सैर सपाटे में गए हुए सारे मंत्री 22 तक लौट चुके हैं। अच्छा जोशी जी, अपने आप को अपडेट कर लीजिए, सारे मंत्री 22 तारीख तक लौट चुके हैं इंडिया में जी, अपने आप को अपडेट कर लीजिए जोशी जी, इनको कहिए जरा सुनिए। हाँ बोले 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 जोशी जी, बोले जरा अपडेट होके बोला करिए, बोले बोले सारे मंत्री 22 तारीख तक लौट चुके हैं जी, बोलिए जोशी जी, बोलिए बोलिए जोशी जी, मंत्री चलो 22 को लौट चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय जब कोरोना की भीषण बीमारी थी तो निश्चित तौर पे उनको भी चिट्ठी लिखनी चाहिए, चलो वो आगे अच्छी बात है, मैं इसके आगे की बात बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जी, अभी ये देश और प्रदेश भूला नहीं है कोरोना को जी, जब यमुना में बहती लाशें आपने हमने देखी थी जी, ऑक्सीजन की कमी हमने देखी थी, बेड्स की कमी हमने देखी थी, मैं एक डिबेट में बैठा था वहां पर, एक जो चिकित्सक थे जो कि इसी के एक्सपर्ट थे, वो सरकार को राय देने का काम कर रहे थे कि जो आपने टीम 9 बनाई है वो डीएम की मत बनाइए, कलेक्टर की मत बनाइए, आईएस की ना बनाइए, वो ऐसे एक दो विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि वो प्रशासनिक व्यवस्था करने का काम डीएम करेगा, लेकिन वो स्वास्थ्य की जानकारी एक डॉक्टर्स को ज्यादा होगी, उनको भी शामिल कर लीजिए। अच्छा। मुझे बड़ा दुख हुआ उस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी विपक्ष की तो आवाज को लेते ही नहीं है। अच्छा। विपक्ष के सुझावों को तो लेते नहीं है, वो तो इनका तो विपक्ष जो डिबेटर बोलता कहा विपक्ष जी, बोले बोले, और निश्चित तौर पे वो वहां पर उनके एक्सपर्ट्स की राय को भी लेने को तैयार नहीं थे, वो केवल अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहे थे, निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी। बोलिए। तो इस तरह का जो भाव है वो पहले ही अपने में लागू करें, सरकार एक जिम्मेदारी से और बच रही है, आपकी आपके चैनल में आने से पहले मैं निकाय चुनाव में था, सरकार को उसमें कोर्ट के द्वारा
डांट पड़ी है। अच्छा। उसमें जो है विशेष तौर पे डांट पड़ी है कि आपने प्रॉपर तैयारी नहीं करी, आपने होमवर्क नहीं करा, इस तरह का माहौल है जी। विवेक भाई जी, सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रवक्ता सपा ने लगाए हैं, क्या जवाब देंगे भाई? देखिए गौरव जी जी, ये लोग कहीं की बात को लेके कहीं चले आते हैं। अच्छा, विषय जो नया वेरिएंट कोरोना का आया है जी, उससे देशवासियों को सचेत करने और सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का है जी। अब ये लेकर के पहुंच गए नगर निकाय चुनाव में। अच्छा, निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने संज्ञान ले रखा है PIL पे, उसपे अभी हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, सरकार अपना पक्ष रख रही है जी। इनको पता चल गया कि सरकार को हाईकोर्ट ने डांट लगाई है, ऐसा कोई विषय तथ्यहीन बातें ये लोग लेकर के चले जाते हैं जी। अगर भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे हैं जी, लगातार बैठकें जारी, प्रधानमंत्री चिंतित हैं, और अगर वो लोग इस पूरी व्यवस्था को कुछ दुरुस्त करके इस नए वेरिएंट के इफेक्ट को रोकने के लिए प्रयासरत है, इसमें सबको उनको साधुवाद देना चाहिए, वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उसमें ये कहना कि साहब उनको क्यों लिखा, पहले उनको लिख देते, ये सब बेबुनियाद की बातें हैं। ये ये बहुत ही मतलब मानसिक गिरे हुए मानसिक स्तर की परिचायक है। ठीक है, आपको देश के स्वास्थ्य मंत्री पद का सम्मान करना चाहिए जी, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। अच्छा, समस्या ये गौरव जी जी, ये लोग इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री को तो रिमोट से चलाने के आदि रह चुके हैं। अच्छा, आज गरीब का बेटा प्रधानमंत्री को हजम नहीं होता। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री इनको पत्र लिख दे, एडवाइजरी दे दे, हजम नहीं हो रहा है, शान के खिलाफ है। ये इस तरह के लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं को, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को अपना नौकर समझते रहे हैं। अच्छा, अब आज की दिशा बदल गई है, दशा दूसरी है, कोई इन्हें हजम नहीं हो रही है। राहुल गांधी पैदल घूमे चाहे गाड़ी से घूमे, सब लोग जानते हैं कि उनको देखने लोग आते हैं, तमाशा खूब जमता है। अरे भाई, यात्रा कर रहे हैं आप, देखने वाली बात कर रहे हैं, नहीं कर पाते, ये कौन सी बात है विवेक भाई, यात्रा कर रहे हैं? नहीं, विवेक भाई की पार्टी के यात्रा करे और भी यात्राएं करे। हाँ। अभी यात्रा खुद खूब विदेश जाने वाले हैं, खुद विदेश चले जाएंगे भी। हाँ। अभी संभवतः आज ही चले जाए विदेश। हाँ। ठीक है। हाँ। तो बीच विदेश में खूब यात्राएं करते हैं। अच्छा, तो उनकी यात्राओं से क्या लाभ होता है? विदेश नहीं जानते हैं क्या? आप क्या करने जाते हैं? जिस समय आज गौरव जी जी, आज वो राजघाट पे भी गए, अटल जी की समाधि पे भी जाने का कार्यक्रम जी हुआ है, लगे हाथ शहीद स्मारक पे भी चले जाते। डोकलाम विवाद के समय जिन सैनिकों ने शहादत दी जी, जिनके जिन उधर शहादत हो रही थी, इधर ये चाइनीज एम्बेसी मीटिंग कर रहे थे, कम से कम कुछ पाप भी धोवाते अपने जी, जाकर के वहां कुछ माफी भी लेते जी, कुछ तो करते। तो ये गौर ये नाम सीरियस लोग हैं, देश ने गंभीरता से नहीं लेता। अरे तो गौरव जी, इन्होंने मान लिया कि यात्रा से घबरा के, राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके, अपनी हार सुनिश्चित देख के इन्होंने षड्यंत्र के तहत, हार हो रही है इनकी, षड्यंत्र के तहत हार हो रही है, क्यों चिट्ठी लिख नहीं, क्यों मुख्यमंत्रियों को बात, 24 हार रहे हैं क्या बीजेपी? 100% हार रहे हैं। अच्छा, और राजनीतिक लड़ाई का हिसाब तो बाद में होगा। अच्छा, लेकिन इतनी विचार शून्य पार्टी हो गई है ये, इसका मनोबल इतना डाउन है, ये इस तरीके की पार्टी है, इसमें कोई नैतिक बल, साहस बल बचा नहीं है। अच्छा, ये कौन सा बल बचा है? जनता की आवाज को। अच्छा, बल इनके पास ट्रिक का है, मिथ्या प्रचार का है, षड्यंत्र का है, झूठे झूठे तरीके से लोगों को, संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराने का है, धमकाने का है, लेकिन भारत की जनता, भारत के लोग, कांग्रेस पार्टी, गांधीवादी विचारों से अहिंसा को मानने वाले लोग, संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग, अंधेरे से ज्यादा सवेरे को उत्साहित लोग, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के दूषित विचारधारा से प्रेरित किसी भी राजनीतिक क्रियाकलाप को, राजनीतिक आदेशों को नहीं मानेंगे। तुच्छ समझने वाले लोग, संवैधानिक संस्थाओं के अपमान करने वाले लोग,
ये कांग्रेस के लोग। अच्छा ठीक है ठीक है। जोशी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, मुस्कुरा रहे थे आप बात सुनकर। देखिए देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जी इस देश की जनता के आगे कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल सही लेकिन बात है। आप भी देखिए कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के माननीय जी सर, जोशी जी की आवाज। कोरोना की गाइडलाइन का प्रयोग नहीं करते, जी मास्क नहीं लगाते, संसद में लगाते हैं। इस अच्छा तरह का दोहरा चरित्र देश के लिए ठीक नहीं है। पूरे सोशल मीडिया में वो तस्वीरें तैर रही है। अच्छा क्या पार्टी में कोरोना नहीं है, संसद में कोरोना है? ये देश को बताने का काम करें। हमें वो तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। हम अच्छा ये कहना चाहते हैं, कोई भी देश है वो सबसे बड़ा होता है, विचार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, हम कहना चाहते हैं ये सरकार जब एडवाइजरी को लागू कर देगी, वो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल होने के कारण कांग्रेस भी इसको गंभीरता से लेगी, और कोई भी पार्टी हो उसके लिए देश बड़ा होगा और निश्चित तौर पर। लेकिन इस समय चूंकि यात्रा का अभी कोई एडवाइजरी सरकार ने कोई लागू नहीं करी है, और उन्होंने निवेदन पत्र लिखा है, तो निश्चित तौर पर वो अपनी राय मशवरा कर लेंगे, इसका तय समय पर हो जाएगा। लेकिन कोरोना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार कितनी गंभीर है, ये विषय मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, जल्दी बताइए, चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए किसी भी आम व्यक्ति को समझ में आता है, देश में सारी एक्टिविटी पे कोई रोक नहीं है। क्या अच्छा मार्केट पर कोई प्रतिबंध है? अच्छा क्या जन सामान्य की जो एक्टिविटीज है, तो कह जाते हैं लग जाए लॉकडाउन लग जाए, मैं बात बता रहा हूँ जिम्मेदारी से। जी सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। हाँ। और हम साक्षी रहे हैं जो बदहाल व्यवस्था, यात्रा निकाली ना आप, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना कोरोना से पीड़ित लोगों पे रही है। जी उनका किस प्रकार से इनके मंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मंत्री ने, जब वो विवश थे अपने घर परिवार रोजगार को छोड़ के आ रहे थे, बच्चों को अपने पीठ पे लिए हुए, तो इन्होंने डकैतों की संज्ञा दी इनके मंत्री अच्छा मंत्रियों ने, भारतीय जनता पार्टी। जी तो ये इनकी संवेदनशीलता है। कहां की तफसील बातें कर रहे हैं आप? अरे आप किस गफलत में रहते हैं? आपकी सरकार, आप किस गफलत में रहते हैं? राजस्थान से पलायन कराया आपकी आप सरकार, किस गफलत में रहते हैं? दिल्ली से पलायन कराया आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन एक आवाज देश में संवैधानिक मूल्यों के प्रति, एक गांधीवादी विचारों के तहत, एक भारतीय गांधी का नाम बदनाम एक कर रहा भारतीय जनता पार्टी के कुशासन, भारतीय जनता पार्टी के गांधी कब तक गांधी भारतीय जनता पार्टी के पूंजीवादी, ये नकली गांधी कब तक गांधी का नाम? अरे क्या नकली गांधी कौन है भाई? कौन नकली गांधी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नकली गांधी कब तक गांधी का नाम? भारतीय जनता भाई नकली गांधी क्यों बोल रहे? नकली गांधी क्यों बोल रहे भाई आप? क्या नकली गांधी कब तक गांधी का नाम? देखिए उनका स्वभाव है, जब वो अंदर से पूरी तरीके से गुस्से में हताश निराश रहते हैं, तो इसी प्रकार से व्यक्तिगत अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। बता दो राहुल गांधी कौन से गांधी है? कोई बात नहीं, देखिए राहुल गांधी महात्मा गांधी कौन से रिश्ता है बताओ ना? देखिए भारत रिश्ता क्या कहलाता है? भारत के लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। अमर्यादित राहुल गांधी का क्या रिश्ता है? नहीं अमर्यादित सोनिया गांधी की का महात्मा गांधी से क्या रिश्ता है? बताइए नकली गांधी गांधी का नाम कब तक बेचेंगे? आपको नहीं समझ में आएगा, अडानी के रिश्तेदारों को, अरे आप समझाओ, समझने की कोशिश देश तो के साधन नकली गांधी को, गांधी जी का नाम कब देश तक के साधन संसाधनों का बंदरबांट करने वाले लोगों से को क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता समझ में नहीं आएगा। प्रियंका महात्मा गांधी जी से क्या रिश्ता है? देखिए प्रियंका बढ़ेरा जी का सॉरी राहुल महात्मा गांधी जी से क्या रिश्ता है? रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? महात्मा गांधी जी का नाम कब विवेक जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपने खूब देखा उसकी टीआरपी बढ़ाई, इसके लिए बधाई। ये गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, ये गंभीर कब तक बेचेंगे? ये कोई टेलीविजन का ये कॉमेडी शो नहीं है जैसा आप प्रदर्शित कर रहे हैं। अपने शौक को अपने जेहन में रखिए। गौरव जी महात्मा मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। देश में महात्मा गांधी को कब तक बेचेंगे? देश में एक स्वाभाविक लोकस्वर की निकली हुई प्राकृतिक आवाज को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, कौन सा स्वर, कौन सी आवाज? देखिए भारतीय जनता पार्टी बाजा बारात 80 कंटेनरों में लेके यही इनका संस्कार, यही इनका विचार है। आपने लगे हाथ बैंड बाजा बारात और शादी से जुड़े, बारात से जुड़े, शादी की व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों का अपमान कर दिया, चूंकि आप सत्ता में है, आपको हक है ये करने का। अच्छा आप सत्ता में इसलिए आपको हक है ये करने का, ऐसा आप ये समझते हैं? करते रहिए, करते रहिए, आप सही कर रहे हैं कि लोग स्वर है, ये कौन सा? देखिए आप, आपको नहीं समझ में आएगा भाई, आप तानाशाही लोग हैं, आप गोली गोली मारने मारने वाले लोग हैं, आप हिंसा करने वाले लोग हैं, आपको नहीं समझ में आएगा। मैं आपकी समस्या समझता हूँ,
मैं आपसे सहानुभूति भी रखता हूँ, आपकी समस्या समझ विवेक जी, मैं आपसे सहानुभूति रखता हूँ। राहुल गांधी जी के विजन को परिवार के अलावा कुछ दिखता का, राहुल गांधी जी के विजन को आप नहीं समझ सकते, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी भारत जोड़ो यात्रा की, यहाँ चर्चा थी जनाधार की, यहाँ चर्चा थी कोविड की। अब चूंकि आशंका जताई जा रही है, सरकार गाइडलाइंस बनाने जा रही है, एयरपोर्ट पर चेकिंग होनी शुरू हो गई है, जीनोम सिक्वेंसिंग होनी है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगभग 3 बैठकें कर चुका है राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं इस बैठक में मौजूद रहे। आने वाले समय में कोविड की स्थिति भारत में क्या होगी वो तो भविष्य के गर्भ में निहित है, पर चूंकि राजनीति जरूरी है तो साथ ही साथ जिंदगी जरूरी है। अगर जिंदगी नहीं होगी तो राजनीति कहाँ होगी? और कम से कम उस खोपरा बंजर को याद करिए जब यहाँ देखा गया था, ना जाने कितने परिवार अनाथ हो गए थे, कितने घर उजड़ गए थे, और ना जाने ऐसा ही शायरी ऐसा कोई मोहल्ला कॉलोनी या गांव होगा जहाँ पर मौत ने अपना तांडव ना किया हो। सब रूबरू हैं, सब ने देखा है और सब जानते भी हैं। तो कम से कम राजनीति और इस बीमारी को अलग अलग रखें। राजनीति जरूरी है, कोरोना भी के माध्यम से जिस तरह से यहाँ पर एक अलग तरह का भयावह माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी जिम्मेदारी सबकी है, चाहे भाजपा की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, और चाहे कांग्रेस सरकार की हो। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वो जिम्मेदारी वो उठाएंगे, और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जो जनाधार दिख रहा है उससे इसको कोविड को लेके आना, उससे डर जाना, ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बात निराधार होगी। अगर कोविड के चलते आपको कुछ समझाया जा रहा है या आग्रह किया जा रहा है तो कम से कम उस स्थिति को समझना चाहिए। अब आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, इस महत्वाकांक्षी यात्रा का क्या परिणाम होने वाला है, क्योंकि अभी यात्रा बाकी है, समय भी बाकी है, और कुछ समय ऐसा भी बाकी है कि शायद हमको वो मंजर दोबारा ना देखना पड़े। जुड़े रहिए, मास्क भी पहनते रहिए, और सर से अपने को बचाते रहिए, क्योंकि बचाव ही जरूरी है। राजनीति तो फिर कर ली जाएगी, राजनीति के लिए पूरा समय बाकी है और पूरी जिंदगी बाकी है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।